हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज देखाऊंगा जिनको पास IDFC का फास्ट बैंक का अकाउंट है वो डेबिट कार्ड के माध्यम से कितना सारी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं, वो भी मैं लाइव प्रूफ में देखाऊंगा और मैंने कितना अर्न किया वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरा IDFC फास्ट बैंक का नेट बैंकिंग का ऐप मैंने ऐप लॉगिन कर दिया। उसके बाद मैंने रिवॉर्ड ऑप्शन में जाया, मैंने टोटल 59,563 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किया। ये डेबिट कार्ड के माध्यम से मैंने स्पेंड किया और ये रिवॉर्ड पॉइंट मुझे मिला। तो आप लोगों को ऐसे ये सब मिल सकता है, कहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने से भी मिलता है, कहाँ पे करना पड़ता है वो भी मैं दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी अमेजन का 5 गिफ्ट कार्ड लेता हूँ 1,000 रुपये करके। 5,000 एक बार में 5,000 के ऊपर नहीं होता है। तो चलिए मैं 5 सिलेक्ट करता हूँ और मैं एग्री करता हूँ। एग्री किया और मैं कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद लोडिंग हो रहा है, देखते रहिए, मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने 5 क्वान्टिटी सिलेक्ट किया और 1,000 रुपये करके एक, तो 5 यानी कि 5,000। तो 5,000 में टोटल मेरा रिवॉर्ड पॉइंट 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट लगेगा 5,000 लेके। ठीक है, मेरे पास तो लगभग 60 के रिवॉर्ड पॉइंट है। ठीक है ना, तो उसी से मैंने एक लिया, 5 किया और पेमेंट पेज में आ गया। उसमें मेरा नाम, नंबर, जीमेल ID सब कुछ आ गया, जैसे मेरा गिफ्ट कार्ड इधर सेंड हो जाएगा और तुरंत ही हो जाता है। मैंने लाइव दिखाता हूँ, देखते रहिए। उसके बाद मैंने मेक पेमेंट करता हूँ, तो देखते रहिए। मेक पेमेंट में क्लिक किया और नीचे पूरा डिटेल्स देखा रहा है कितना किया। चार्जेस तो लगेगा 99 प्लस GST का चार्जेस लेना पड़ेगा और बैंक अकाउंट से नेक्स्ट महीने के अंदर वो डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार रीडिंग करने से ये चार्जेस देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो मैं मेक पेमेंट करता हूँ, देखते रहिए। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा बैंक की तरफ से, जिस नंबर से मेरा बैंक का साथ लिंक है IDFC फास्ट बैंक का। तो मेरे पास OTP भी आ गया, मैं OTP डाल देता हूँ और कंफर्म में क्लिक करता हूँ। तो मैंने कंफर्म में क्लिक किया और 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट मेरा डिडक्ट हो जाएगा अभी मेरा रिवॉर्ड पॉइंट से। ठीक है ना, तो देख के प्रोसेसिंग और सक्सेसफुल हो गया और मेरा गिफ्ट कार्ड भी मिल गया और मेरा मेल पर भी दिया आ जाएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ मेरा मेल पर जाके, देखिए और सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत ना हो जाए बीच बाद में। फिर अभी मेल ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, देखते रहिए। तो दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हो, आप IDFC पे आप फास्ट बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। उसमें मिनिमम 10,000 का मेंटेन करना पड़ेगा और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये एक गिफ्ट कार्ड ले लिया, उसको 5,000 मेरा हो गया। तो देखिए, सक्सेसफुल मेरा ये गिफ्ट कार्ड आ गया और गिफ्ट कार्ड भी मिल गया। तो चलिए, मैं उसको अमेजन पर ऐड करके भी दिखाता हूँ, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मेरा टेलीग्राम का लिंक है और जितने सारे क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट सबका लिंक है, तो आप उधर से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, मैं रिडीम कर लेता हूँ। तो मेरा एक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके अमेजन में चला जाता हूँ। तो देखते रहिए, मैंने कॉपी किया, इधर से सक्सेसफुल मेरा हो गया। तो चलो एक बार मेल चेक कर लेता हूँ, मेल पे भेजा क्या नहीं। तो देख के मेरा फास्ट बैंक रिवॉर्ड की तरफ से मेरा मेल भी आ गया, जिसमें 5,000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया मेरे को। तो मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अमेजन में चला जाता हूँ। चलिए, मैं अमेजन ओपन कर लेता हूँ। अमेजन ऐप और गिफ्ट कार्ड मैंने ऐड किया और देख के बूम, मेरा 1,000 ऐड हो गया गिफ्ट कार्ड पर। तो ऐसे करके मैंने 5 ऐड करता हूँ। मैंने टोटल 15,000 का लिया, मैंने कि 60,000 के बिल्कुल 15,000 होता है। तो मैंने 3 टाइम किया, तो 3 टाइम में 300 प्लस GST का चार्जेस देना पड़ेगा, वो बैंक अकाउंट से नेक्स्ट महीने तक काट जाएगा। तो जो भी है, फिर भी अच्छा है। तो मैंने ये सब एक एक करके 5 का ऐड कर देता हूँ, तो देखते रहिए। और ये रिवॉर्ड पॉइंट कैसे मिलेगा, एकदम बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके भी इतना सारी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो। तो आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ पे स्पेंड करूँगा तो फिर ये रिवॉर्ड मिलता है। तो आप पहले तो पेटीएम मूवी को इसमें मिलता है, अभी फिलहाल वो इसमें नहीं मिलता है, वो अदर कैटेगरी में चला गया वॉलेट में। तो और एक भी ऐप्स है जिसमें लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा स्पेंड करके। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे।